अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, आज हम किसी स्पेशल जगह तो नहीं जा रहे, लेकिन आज वीकेंड था क्योंकि विंटर्स में हम यहाँ पे कहीं बाहर तो निकल नहीं सकते कि हम आपको बाहर की कोई चीज़ दिखाएं। तो हमने कहा आज हम जाते हैं एंग्री गन मॉल, तो वहाँ का विजिट करते हैं। वीकेंड पे हमने कहीं तो निकलना होता है, तो हमने कहा चलो एंग्री गन मॉल जाते हैं। तो क्योंकि बाहर टेम्परेचर आज क्या है, -6 है ना? वैसे -6 है, लेकिन फील लाइक जो है वो -10 से ऊपर है। तो इस ठंड में तो बाहर निकल नहीं सकते। और इज़ा को जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी हुई हुई है और इसका गला भी ख़राब है और काफ़ी फ्लू भी हुआ है, इस वजह से हमने कहा आज हम स्नो में, तो इज़ा की वजह से हमने कहा हम आज नहीं जाते कहीं बाहर। तो हम मॉल में जाएंगे, वहाँ पे अंदर तो इतना पता नहीं लगता, अंदर सारा हीटिंग सिस्टम होता है तो इतना फील नहीं होता। तो ये आप देखें यहाँ पे कितने सेंटीमीटर आज पड़ी है स्नो। इतने दो दिन पड़ती रही 20 सेंटीमीटर, तकरीबन 20 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे स्नो पड़ती रही। और इस टाइम रोड तो सफाई कर गए हैं ट्रक वाले सारी, लेकिन साइड पे जो बर्फ फेंक गया, देखिए साइड पे जरा आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, गाड़ियों की वजह से ना, जो गाड़ियों की वजह से जो ब्लैक हो जाती है ना, वो बहुत ही गंदी लगती है। ये साइड पे आपको नजर आ रही होगी ये पड़ी हुई। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे देखे लाइफ फिर भी चल रही है, मतलब इस ठंड में भी जो है वो आपको बाहर जो है वो लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग क्या, हम खुद निकल रहे हैं। देखे हमने अब काम वीकेंड को जाना तो हमने कहीं है, बाहर नहीं जा सकते तो अंदर से ही, लेकिन हम फिर भी निकल रहे हैं। तो ये आप देखें जरा, ये इधर देखें जरा साइड पे, ये ट्रक क्या करते हैं कि जो रोड वाली होती है ना स्नो, वो उठा के कहीं कॉर्नर पे फेंक जाते हैं। तो अभी हम जो है वो एंग्री गन मॉल पहुंच गए हैं, और ये लासाल में है, मॉन्ट्रियल में ही है जगह लासाल, तो ये वहाँ पे है। तो अभी हम एसन के जो फ्रेंड है वो भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा एसन से, मैंने कहा हम अंदर चलते हैं, गाड़ी में बैठ बैठ के बंदा तंग आ जाता है, तो मैंने कहा अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी देखते पार्किंग में कहीं फुल हुई हुई है पार्किंग, लोगों को ठंड में भी आराम नहीं है हमारी तरह। मैंने समझा था शायद हमें ही आराम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें आपको लोगों को भी आराम नहीं है। अब ऐसा जो है वो इधर का स्टॉलर हसबे मामूल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, स्टॉलर निकालना, स्टॉलर को फिर रखना, फिर इज़ा को जो है वो स्टॉलर पे बिठाना और फिर डिग्गी बंद करना, ये सारी ड्यूटी ऐसा की है। आप इज़ा को निकाल लेना फिर, चलो मैं ऐसा खुद निकाल लूँ, फिर आपको मिलती हूँ मैं एक ब्रेक के बाद। मॉल अच्छा ऐसा जैसे लगता है क्योंकि यहाँ पे ना हर आपको शॉप मिल जाएगी, जैसे हम उस फैक्ट्री आउटलेट गए थे तो वो सब शॉप्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी जो हमने फैक्ट्री आउटलेट में देखी थी। और इसके अलावा यहाँ का एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक मैक्सी है, तो अगर आपको कोई ग्रॉसरी वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो विंटर में जहाँ पे बाहर तो ठंड होती है, तो लोग आपको ज़्यादातर आपको देखें मॉल में ही नजर आएंगे। अभी मैं आगे जाऊंगी तो वहाँ पे तो आपको छोटे बेबीज जो हैं वो भी खेलते हुए नज़र आएंगे, और इवन के बच्चों के फंक्शन भी होते हैं मॉल में, क्योंकि बाहर तो बच्चे निकल नहीं सकते। तो अभी इज़ा सोई हुई है, इज़ा जागेगी तो इज़ा को भी हम स्ट्रॉलर से उतार देंगे और जैकेट वगैरह उतार देंगे, क्योंकि अंदर जैकेट की ज़रूरत नहीं है अगर ना भी हो तो। अभी इस टाइम यहाँ पर मॉल में काफ़ी रश है यहाँ पर, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाती है राइट पे फार्मेसी, ये यहाँ की यहाँ पे अच्छा ये पूरे मतलब क्यूबेक में फार्माप्रिक्स के नाम से ही होगी, फार्माप्री ओंटारियो में शॉप, बाकी में ओंटारियो में शॉपर्स के नाम से है और क्यूबेक में फार्माप्री के नाम से। अच्छा, तो ये फार्मेसी है और ये पूरे क्यूबेक में जो है वो इसी नाम से ही आपको फार्मेसी मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, यहाँ पर सारे ब्रांड्स भी हैं और इवन बच्चों की शॉप भी है, मेरी फेवरेट शॉप इज़ा की कार्टर्स वाली शॉप वो भी है। तो ये कुछ आई थिंक लग रही है, ये आपको पीछे बैग पे आपको कुछ बैग्स अगर चाहिए हो वो भी आप ले सकते हैं, ये हैंड कैरी हैं और वैसे जो बैग होते हैं वो भी हैं। और ये गिफ्ट शॉप है, ये गिफ्ट शॉप है साइड पे। अब हम अंदर तो नहीं जाएंगे, हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमें कुछ देखना है, कुछ लेना है। इज़ा जा गई तो फिर हम शायद गिफ्ट शॉप में आ जाएंगे, इज़ा को बहुत शौक है नई नई चीज़ें लेने का। तो अभी हम जाते हैं ग्लोबो में, ग्लोबो में हमने देखना है। मैं हमेशा जब भी आती हूँ ना, मैं ग्लोबो लाजमी जाती हूँ, क्योंकि मुझे खाला ने बताया कि इनके पर्स अच्छे होते हैं, तो शूज़ भी अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पर्स का बताया था, तो मैं हमेशा आके पर्स देखती हूँ
कि कोई अच्छा थोड़े बड़े साइज का पर्स अगर हो तो, वो मैं हमेशा देखती हूँ और अभी भी मैं वही देखने जा रही हूँ। लेकिन इसका कलर मुझे इसका बहुत अच्छा लग गया, लेकिन $39 का है ये, ऑफ करके $39 का है। लेकिन ये इसकी पॉकेट्स कोई ऊपर से ओपन है, उस वजह से मुझे कोई खास नहीं लग रहा, चीज़ें नीचे गिर जाएंगी। और ख़ास तौर पर मेरी तो चीज़ें वैसे ही जो है वो इज़ा वाली चीज़ें जो हैं वो वैसे ही गिर जाएंगी। और कुछ ये पर्स हैं ये अच्छे होते हैं छोटी बच्चियों के लिए, ये अच्छे हैं। ये है $44। अच्छा लास्ट टाइम हम आए थे तो ये $29 का लगा हुआ था, ऑफ पे था, आज ऑफ ख़त्म हो गया है। ये कुछ बैग वगैरह चाहिए तो ये भी अच्छे अच्छे कंपनी के लग रहे हैं। ऐसे जो है वो अपने शूज़ वगैरह देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ से आपको ये कुछ बेबीज़ के लंच बैग्स ये भी मिल जाएंगे। इधर का हमने ले लिया और इस वजह से हम नहीं लेंगे। ये कितनी मज़े की सॉफ्ट सी जूती है ये घर में पहनने के लिए। ऐसे कुछ अपने भी शूज़ देखते हैं हमेशा, कि ऐसे को कोई पसंद ही नहीं आता। अभी भी ऐसे जो है वो अपना शूज़ ही देख रहे हैं। आप शूज़ देख के मैं ज़रा ये कितने मज़े की लग रही है जूती। लेकिन ये ना घर में मैंने कभी जूती पहनी नहीं है। घर में हमारी हम जूते सब बाहर उतार के जाते हैं, हम अंदर जूते नहीं लेके जाते। दिखाएं कि ऐसे ने कुछ जूते पहने हैं जरा, आपको अच्छे लग रहे हैं लेकिन सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, तो फिर ठीक है। आप पहन के चल के देखें अगर आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं। साइज छोटा है ये, तंग का रहा है ये, साइज 10 नंबर के पास नहीं, मुझे 10 नंबर पता नहीं, 9 मतलब है ही नहीं एक सी जगह पे भी। या इस कह रहे हैं हम ऑर्डर करेंगे 5-6 दिन में आ जाएगा, कहता आप बाय कर लो आ जाएगा। तो फिर अगर आपको जो कुछ कंफर्टेबल लगता है तो वो देख लें। ऐसे हम कहते हैं स्नो शूज तो मेरे हैं लेकिन मैं नॉर्मल पहनने के लिए भी लेना चाहता हूँ, जो जब स्नो ना हो तो उस टाइम भी है, क्योंकि जॉगर्स तो यहाँ पे सर्दियों में वैसे भी नहीं चलते स्नीकर वगैरह, तो वो कहते हैं इस टाइप के हों कि वो जब स्नो ना पड़ रही हो तो उस टाइम मैं वो पहन लूँ। देखिए मैं हमेशा आती हूँ इज़ा वाले सेक्शन में कि मुझे वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। इज़ा वाले सेक्शन में चेक करते हैं, ये भी कुछ गर्ल्स के शूट लगे हुए हैं, ऑफ पे लगे हुए हैं, ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ये वाले। ये बॉयज़ के हैं, ये स्नो शूज़ हैं। अच्छा बेबीज़ के यहाँ पे कोई इतनी कोई वैरायटी नहीं है, ये स्कूल के शूज़ हैं। अच्छा ये भी स्कूल के शूज़ भी, ये बेबीज़ के हैं लेकिन कोई ख़ास वैरायटी नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ से चलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बेबीज में तो कोई ख़ास वैरायटी है नहीं, और बाकी मैंने अभी कोई ख़ास ऐसा लेना नहीं है। तो मुझे नज़र आ गई है सोर्स, ये सोर्स सबसे बेस्ट शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपको आपको यहाँ मतलब बहुत अच्छी डील्स मिल जाएंगे 80% ऑफ तक। मतलब अभी अभी लास्ट टाइम लगा हुआ था आईफोन 13 प्रो मैक्स, उस पर लगी हुई थी $900 की डील लगी हुई थी। मतलब आप वैसे यहाँ से लोग 13 प्रो मैक्स तो 1700 कुछ का मिलता है, लेकिन अब लास्ट टाइम वो सोर्स वाले दे रहे थे 780 का। यहाँ पे आपको मॉल में कितना रश है क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन प्लेस भी है, ये चिल्ड्रन प्लेस है। अब ऐसे देखें जरा मुझे, अब वो करके आगे आ गया, इस तरह से जा रहे हैं ताकि महविश को जो है वो कार्टून नजर ना आए, और मुझे नजर आ गया है। ठीक है तो अभी हम जाते हैं कार्टर्स में। आप मुझे ऐसा ऐसा करके आगे लेके जा रहे थे ताकि मुझे कार्टर्स नजर ना आए। डील ना भी हो फिर भी मैंने देखना होता है लाजमी, मैं सारी दुकान देखती हूँ, बेशक वो डील वाला हिस्सा हो या पैसे हो, मैं सब देखती हूँ आजकल कैसा चल रहा है, बच्चों के किस टाइप के कपड़े चल रहे हैं आजकल, मैं लाजमी देखती हूँ। और अक्सर देखते देखते फिर मुझे ना मेरा दिल कर जाता है लेने का, फिर मैं ले भी लेती हूँ। अच्छा इधर की जीन्स देखती हूँ, क्योंकि इधर की जीन्स मुझे जो है वो चाहिए तो वो मैं देख लेती हूँ। ये सारा मेरा सेक्शन है, ये इधर का सेक्शन नहीं है, ये मेरा सेक्शन है। मुझे बहुत शौक है इधर के कपड़े लेने का।
तो ये हमने कार्टर्स को जो है वो सारा छानबीन कर लिया कार्टर्स की। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे इधर का कुछ ऐसा कोई ख़ास लेना नहीं था, तो लेकिन अगर मुझे कुछ ना भी लेना हो तो मुझे कुछ अच्छा नज़र आ जाए ना, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं है। तो अभी हम चलते हैं चिल्ड्रन प्लेस जाएंगे, उनको कॉल करें ना आप, कॉल करें फिर मैं थक गई हूँ, आगे चलते हैं ना फिर हम। अभी हम उनका वेट करते हैं, वो आते हैं तो फिर हम उनको, मैंने बता दिया था कि हम कार्टर्स पे हैं। अच्छा इधर भी कुछ ऑफ नज़र आ रहा है, देखते हैं शूज, इज़ा का शूज जो है ना वो मैं हमेशा ज़्यादा इज़ा के ये वाले शूज़ तो मैंने मंगवा ली हैं खाला से, उन्होंने जो है उनको मैंने कहा था इज़ा के शूज़ वो लेना क्योंकि ना उनको पता है दादा अच्छे कहाँ से मिलते हैं, तो एक तो उन्होंने ये वाला इस टाइप का कुछ लिया था ये वाला, और दूसरा देखती हूँ यहाँ पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, दूसरा भी ये पड़ा हुआ है, दूसरा उन्होंने मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, दूसरा उन्होंने ये लिया है इज़ा के लिए शूज़, अभी हम जाएंगे और टैरियो तो फिर हम देखेंगे कैसे शूज़ हैं, अच्छे ही होंगे। तो ये हम इस टाइम मॉल के सेंटर में आ गए हैं, तो ये मॉल का सेंटर है सारा, साइड पे सब शॉप्स हैं, और ये जो सेंटर है ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ फाउंटेन लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पे बहुत खेलते हैं, छोटे छोटे बेबीज आपको यहाँ पे बहुत नज़र आएंगे खेल रहे होंगे। इज़ा जब यहाँ पे आती है ना, इज़ा कहती है मुझे इसके अंदर डालो, उसको होता है ये पता नहीं क्या है, ये ख़ास चीज़ है, तो वो रास्ता ढूंढ रही होती है कैसे, क्योंकि सारा आस पास ना पूरा शीशा लगा हुआ है जो ये आप देख सकते हैं, इज़ा का होता मैं कहीं से मुझे रास्ता मिले और मैं अंदर जाऊं, तो अंदर जा नहीं सकती इज़ा, ये देखें फिर कहते हैं हमें तो कपड़ों का शौक ही नहीं है, और ये कपड़े लेके देखें रास्ते में खोल खोल के देखने शुरू कर दिए हैं, ये सब झूठ बोलते हैं कि मर्दों को कपड़ों का शौक नहीं होता, मजबूर है इनके दूसरे हालात हैं, ये तो लेके एहसान करते हैं मेरे ऊपर, मेरे लिए उन्होंने लिए भी नहीं है यहाँ पे, इधर जो है वो अब सलाम दुआ करने लगी है, अंदर तो उतार गए अभी सोई भी थी ये, हाँ इधर अभी सोई अभी जागी है, तो हमने जो चीज़ लेनी थी विनर से तो वो तो हमने ले ली है, और इसके अलावा ये आप सारा देख सकते हैं यहाँ से, आपको पर्स वगैरह और कपड़े जूते घर की चीज़ें किचन की चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमने तो सिर्फ इज़ा के मैंने वो लेने थे स्टड्स, तो वो इज़ा के हमें स्टड्स शुक्र है मिल गए हैं, काफ़ी दिनों के बाद आज मिले हैं, दिखाएं इज़ा के स्टड्स कहाँ पे हैं, और भी पड़े हुए वो भी देख लेते हैं, ये हमने इज़ा के स्टार्ट लिए हैं, ये है 14 कैरेट गोल्ड, तो यहाँ पे ज़्यादा 14 कैरेट गोल्ड भी चलता है, तो हमने अभी इज़ा के ये लिए हैं, इज़ा जब बड़ी होगी तो फिर इसके और लेंगे, इसके अलावा और भी हैं वो देखते हैं, ये तो ये कुछ और भी पड़े हैं लेकिन ये सिल्वर के हैं इस वजह से, हमने तो गोल्ड के लेने थे तो वो हमने ले लिए हैं, ये सब आप यहाँ पे आपको डिफरेंट ये इस तरह के मिल जाएंगे, तो अभी हम जाते हैं बाहर, ये सारी यहाँ से आपको ना ये गोल्ड की और कुछ डायमंड की और इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आपको। अतीक भाई लोग कहाँ पे हैं? वो लोग फूड कोर्ट के हैं। अच्छा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, उनको कॉल करके पूछे वहाँ से कुछ मिला, अच्छा जाना अंदर ये तो अंदर जाते हैं। नहीं वहाँ पे हलाल कुछ मिलेगा तो हम खा सकते हैं ना, हलाल तो है मतलब एक है शॉप के नाम निकल गया। अच्छा अभी हम जा रहे हैं फूड कोर्ट, तो एसम के कहने के मुताबिक वहाँ पे हलाल शॉप है, तो अब देखते हैं वहाँ पे हमें कुछ मिलता है तो हम वो खाएंगे। शॉप आपको नज़र आ रही है ना, ये ग्लासेस की शॉप है, और मैंने जब ग्लासेस बनवानी थी यहाँ पर मैं आई थी लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी महंगी ग्लासेस थी, इतनी महंगी $500 की जो है वो सिर्फ ग्लासेस, मतलब मिनिमम 500 300 और इतनी कोई खास मुझे लगी हुई थी, तो यहाँ पे तो ग्लासेस आग लगी हुई है, ग्लासेस को आग, तो फिर मैंने कॉस्को से ली थी,
वहाँ पे भी महंगी ही मिली है, लेकिन यहाँ की नस्बत वो मुझे थोड़ा कम में मिल रही थी। हम फूड कोर्ट में आए हैं और मैं इस टाइम थक के बैठ गई। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, पता थक जाता है। तो यहाँ से हमें कुछ खास मुझे लगा नहीं है। आमिर का कहते हैं अच्छा खास होता नहीं है आमिर का, तो बाकी जो है वो मैंने कहा बाहर से जाके खा लेते हैं। हम कॉफ़ी ले रहे हैं अतीक भाई लोग, तो हम उनका वेट करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और फिर हम यहाँ से चलते हैं। बाहर जाके कुछ खाएँ, बहुत भूख लगती है। अभी आपने खाया तो मुझे अभी भूख लगी है, वैसे वो तो हज़म हो गया है। हम खा के आए थे पास्ता, लेकिन वो हज़म हो गया है। मुझे दो अब मैं शुएब से मांग रही हूँ, मुझे दे नहीं रहा, दे दो मुझे, मुझे बहुत भूख लगी है। शुएब बहुत सख्ती बना हुआ है, आप देख लें। अब ये नहीं कहना कि शुएब भूख है। ये इस मॉल का जो है मैप है, यहाँ पे आपको सारा पता लग जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सी शॉप है। तो यहाँ से आप सारा ट्रैक कर लें और वहाँ पे फिर आप जा सकते हैं। सारा मैप है। हम लोग यहाँ सेंटर में मैक्सी के साथ से टोटल 10 रुपये, टोटल इसकी इंटरेस्ट जो है वो 10 है। तो ये डस्टबिन बने हुए हैं, आपने खा पी के ऐसा नहीं है कि वो टेबल पे ही पड़ा रहेगा। जिसने खाना है वो अपने डस्टबिन में यहाँ पे सब चीज़ें फेंक के जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हमने मैक्सी से कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें ख़त्म हुई थी तो वो हमने ली हैं। ये मैक्सी है बैग पे जो है। अभी ऐसा जो है वो इज़ा को बिठा रहे हैं गाड़ी में, अभी हम जा रहे हैं घर। तो खाना जो है वो हमें घर के पास ही शॉप है पिज्जे वाली, पाकिस्तानी है वो, तो हम उधर से खाएँगे आज। आज फर्स्ट टाइम वहाँ से हम ट्राई करेंगे, क्योंकि उनकी शॉप खुले हुए कितने दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते उनकी शॉप उन्होंने नहीं ओपन हुई है। तो हमने कहा आज वहाँ पे जाके हम ट्राई करेंगे, वहाँ पे कबाब ट्राई करेंगे। वहाँ और भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमने आज कबाब ट्राई करने हैं। वो गाड़ी पर फ्रीज हो गई है, देखें ये आप गाड़ी के ऊपर देखें क्या हालात बने हुए हैं। ये देखें गाड़ी के ऊपर क्या हाल बन हो गया। चलें हम बैठते हैं, क्योंकि हम इस टाइम रास्ते में खड़े हैं। हमारे घर के साथ ही शॉप है पिज़्ज़ा शॉप। पिज़्ज़ा के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, हमने कबाब ऑर्डर किए हैं। हमें खतीजा ने बताया था कि हाँ कि इनके चिकन कबाब बहुत अच्छे हैं, तो हमने कहा चिकन कबाब ऑर्डर करते हैं आज, साथ नान लेंगे। अभी वो भी आने वाले हैं, वो बिरयानी का कह रहे थे। हमने कहा चिकन कबाब आने में ज़रा टाइम लगेगा, तो हम ऑर्डर कर लेते हैं। अभी ये नई नई शॉप स्टार्ट हुई है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये कुछ इसकी करेंगे डेवलपमेंट वगैरह। तो लेकिन खाना जो है आप खा के बताएंगे कि कैसा है। ये हमने खाना ऑर्डर किया है, और ये क्या है, कितने कबाब है ये? 1 kg। ये 1 kg चिकन कबाब है और 3 नान है साथ, और ये साथ सैलेड है और साथ मायोनीज है। अभी हम खा के आपको बताएंगे कि खाना कैसा था। तो हमने खाना खा लिया है, और हमने $25 के जो है ये हमें कबाब मिले हैं, 1 kg चिकन सीख कबाब थे, और टेस्ट बहुत मज़े का था। आज काफ़ी अरसे बाद मैंने मॉन्ट्रियल में काफ़ी अरसे बाद मैंने पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तानी टेस्ट का जो है वो कबाब खाया है, और मज़ा आ गया खा के आज। अच्छा था, हमें $25 के 1 kg कबाब मिले हैं, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और साथ 3 नान 2 नान एक्स्ट्रा हैं साथ, फ्री नान। तो बहुत अच्छा खाना था, और आज मुझे काफ़ी अरसे बाद जो है वो मॉन्ट्रियल में कोई पाकिस्तानी टेस्ट का खाना मिला है, ऐसे सीख कबाब। एक हमें यहाँ पे पाकिस्तानी टेस्ट की बिरयानी मिली है, और एक हमें आज काफ़ी अरसे बाद जो है ये हमें सीख कबाब। हमारी आज की रूटीन डेली रूटीन तो नहीं कह सकते, क्योंकि डेली रूटीन हमारी डिफरेंट होती है, तो आज हमने ये किया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।